पेपर वन पेपर टू का डेली वीडियो पीडीएफ पाने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर वन पेपर टू का फुल कोर्स पीडीएफ ले सकते हैं या घर बैठे बुक्स भी मंगवा सकते हैं। उसके लिए आपको हमें कॉन्टैक्ट करना होगा या व्हाट्सएप करना होगा इस नंबर के ऊपर। सारी जानकारी आपको यहाँ पर दे दी जाएगी। हेलो एवरीवन, आई एम साक्षी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द स्टडी भारत चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। द जस्टिकेबिलिटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स एंड नॉन जस्टिकेबिलिटी ऑफ DPSP ऑन द वन हैंड एंड द मॉरल ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट टू इम्प्लीमेंट DPSP ऑन द अदर हैंड हैव लेड टू अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू सिंस द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कि फंडामेंटल राइट्स और DPSP की जस्टिकेबिलिटी में जो है कॉन्फ्लिक्ट है। इन द चंपकम दोरारी राजन केस द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड द DPSP द फॉर्मर वुड प्रिवेल। इस केस में जो है जो कि 1951 में हुआ था, उन्होंने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो ज़्यादा प्रिवेल करता है DPSP से। इट डिक्लेयर्ड दैट द DPSP हैव टू कंफॉर्म टू एंड रन एज सब्सिडायरी टू द फंडामेंटल राइट्स। तो जो DPSP है वो फंडामेंटल राइट्स से थोड़ा इन्फीरियर है। फंडामेंटल राइट्स जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट इट ऑल्सो हैड दैट द फंडामेंटल राइट्स कुड बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट। ठीक है, लेकिन हम जो है फंडामेंटल राइट्स को अमेंड भी कर सकते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स हैं हमारे पास। एज अ रिजल्ट द पार्लियामेंट मेड द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। इन द अदर वर्ड्स द कोर्ट हेल्ड दैट द फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। इसी तरीके से जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अमेंड नहीं हो सकते अगर हमें DPSP जो है इम्प्लीमेंट करने। द पार्लियामेंट रिएक्टेड टू द सुप्रीम कोर्ट्स जजमेंट इन द गोलकनाथ केस बाय इनेक्टिंग द 24th अमेंडमेंट एक्ट एंड द 25th अमेंडमेंट एक्ट। द 24th अमेंडमेंट एक्ट डिक्लेयर्ड दैट द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू एब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। कि पार्लियामेंट जो है वो किसी भी फंडामेंटल राइट को जो है वो एब्रिज कर सकते हैं। The 25th Amendment Act inserted a new Article 31C which contained the two provisions. Article 25th Amendment: No law which seeks to implement the socialist directive principles specified in Article 39B and C shall be void on the ground of contravention of the fundamental rights conferred by Article 14, 19 and 31. ठीक है, किसी भी जो लॉ है DPSP के लिए कोई भी फंडामेंटल राइट्स जो है हम वॉइड नहीं कर सकते। नो लॉ कंटेनिंग अ डिक्लेरेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू सच पॉलिसी शुड बी क्वेश्चन। और इस पॉलिसी को कोई भी क्वेश्चन भी नहीं कर सकता कि आपने ऐसा क्यों किया। ठीक है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन है आगे। द पार्लियामेंट्री कमीशन वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1950। पार्लियामेंट्री कमीशन जो है उसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1950 में। ठीक है, जैसे 5-year प्लान्स भी थे बनाए ताकि सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस हो सके, इनइक्वालिटीज़ को रिड्यूस किया जा सके, सभी को अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें। इन 2015 द प्लानिंग कमीशन वॉज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू बॉडी। प्लानिंग कमीशन को 2015 में चेंज कर दिया गया नीति आयोग से, और नीति के फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। Almost all the states have passed land reforms. Mostly सभी जो states हैं वो land reforms के लिए laws pass करते हैं ताकि improvement हो सके rural masses में। ठीक है, तो उसके लिए क्या abolish किया गया, ज़मींदारी system, जागीरदारी system। ठीक है, tenancy reforms किए गए, मतलब कि security की गई tenure की, fair rents की, imposition of ceilings on land holdings, मतलब कि ceilings करवाई गई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस लैंड अमंग द लैंडलेस लेबरर्स, और लैंड प्रोवाइड किए गए, सरप्लस लैंड प्रोवाइड किए गए लैंडलेस लेबरर्स को, और कोऑपरेटिंग फार्मिंग जो है वो की गई। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे एक्ट्स थे जैसे कि द मिनिमम वेजेस एक्ट, द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट। ठीक है, और आगे इनके सन भी बताए गए हैं कि जो मिनिमम वेजेस एक्ट है वो 1948 में हुआ था। और ये जो सारे हैं एक्ट वो क्यों थे, लेबर सेक्शन के इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए।
ठीक है। जैसे 2006 में जो है चाइल्ड लेबर को बैन किया गया। इन 2016 द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 वाज रिनेम्ड। ये जो एक्ट बना था चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 को, उसका नेम बदल के चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट बन गया 1986 का, ठीक है। द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट एंड द इक्वल रिमनरेशन एक्ट हैव बीन मेड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वुमेन वर्कर्स। वुमेन्स के लिए भी जो है एक्ट बने हैं। कौन कौन से? द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जो कि 1961 में बना है, इक्वल रिमनरेशन एक्ट जो कि 1976 में बना है। Various measures have been taken to utilize the financial resources for promoting the common good. Common good को promote करने के लिए जो है financial resources को अच्छे से utilize किया जाए, इसके लिए भी जो है उन्होंने measurement दी है। इसमें जो है life insurance आती है, ठीक है, general insurance भी आती है। The Legal Services Authorities Act has established a nationwide network. इसमें जो है nationwide network provide किया गया है ताकि free और competent legal aid सभी को provide हो, जिसमें जो है लोक अदालत हो, जिसमें सभी के लिए equality हो, equal justice जो है promote किया जा सके। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोर्ड, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन, हैंडलूम बोर्ड, हैंडीक्राफ्ट बोर्ड, कॉर बोर्ड, ये सारे जो इंडस्ट्रीज हैं उन्हें डिवेलप किया गया कहाँ पर? रूरल एरियाज़ में, ठीक है। फिर आगे बहुत सारे प्लान्स अपनाए गए, जैसे कि कम्युनिटी डिवेलपमेंट प्रोग्राम जो कि 1952 में बना था, ड्रॉट प्लान एरिया प्रोग्राम जो कि 1973 में बना था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम ये 2006 में बना था, ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 में आया था, कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया था। इससे क्या है कि पोल्यूशन कंट्रोल हो सके, सभी की डेवलपमेंट हो सके। इसमें एग्रीकल्चर के लिए जो है वो इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर इनपुट्स जैसे इरीगेशन फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की गई हैं ताकि जो है डिवेलपमेंट हो सके। नेक्स्ट इज थ्री टायर पंचायती राज सिस्टम, ठीक है, कि जैसे कि पंचायती राज सिस्टम है जो कि थ्री टायर्स हैं, थर्ड जो कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में इनेक्ट किया गया है। सीट्स भी रिजर्व्ड की गई हैं एस सी एस टीज के लिए, वीकर सेक्शंस के लिए, अनटचेबिलिटी जैसे एक ऑफेंस है, सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी जो एक्ट्स बनाए गए हैं ताकि किसी के साथ भी इनजस्टिस या एक्सप्लॉयटेशन ना हो, ठीक है। 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990 में इस्टेब्लिश हुआ था, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन स्केड्यूल कास्ट के बारे में बात की गई है, स्केड्यूल ट्राइब्स के बारे में बात की है ताकि एससी और एसटी के जो इंटरेस्ट हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसमें टू सेपरेट बॉडीज हैं, कौन कौन सी हैं? नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल ट्राइब्स, मतलब कि इसमें एससी और एसटीज के बारे में बात की है ताकि वीकर सेक्शन जो है उनके इंटरेस्ट को प्रमोट किया जा सके, ठीक है। इसमें जो है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ भी आया 1993 में जो बनी थी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन भी है जो कि 1992 में बनी थी। द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेपरेटेड द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। ये क्या करती है? जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग करती है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि जो थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है वो सेपरेटली वर्क करते हैं, ठीक है, तो ये जो है सेपरेट करती है, डिवीज़न करती है वर्क्स की, जुडिशियल पावर्स बताती हैं उन्हें कि क्या क्या उनकी पावर्स हैं, ठीक है। द एंशियंट एंड हिस्टोरिकल मोनूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट हैज़ बीन इनेक्टेड टू प्रोटेक्ट द मोनूमेंट्स प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। मोनूमेंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्लेसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए और नेशनल इम्पोर्टेंस के ऑब्जेक्ट को मद्देनजर में रखते हुए एक एक्ट बना था जिससे जो है ये सब प्रोटेक्शन हो सके। वो एक्ट कौन सा था? द एंशियंट एंड हिस्टोरिकल मोनूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट जो कि 1951 में बना था, ठीक है। हेल्थ सर्विसेज भी बनी हैं जिसमें हॉस्पिटल्स जो है बनाए गए ताकि लोगों की हेल्थ जो है इम्प्रूव हो, डिजीज़ ना हो, जैसे कि मलेरिया वगैरह हो, मलेरिया वगैरह को इरेडिकेट किया जा सके कि किसी को ऐसी बीमारियाँ ना हो,
ठीक है, लॉज टू प्रोहिबिट द स्लॉटर ऑफ काउस काव्स एंड बुलक्स हैव बीन इनएक्टेड इन सम स्टेट्स। ठीक है, तो ये भी कुछ प्रोहिबिट किया गया उन्होंने कि स्लॉटर जो है उनका इनएक्ट नहीं करना चाहिए। सम स्टेट्स हैव इनिशिएटेड द ओल्ड एज पेंशन स्कीम फॉर पीपल अबव 65 ईयर्स, और इसमें जो है ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स भी लगाई गई हैं जो कि अबव 65 हैं। इंडिया हैज़ बिन फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट एंड पनशील्ड टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। जैसे कि इंडिया जो है नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को फॉलो करता है और पनशील्ड के उनके जो सिद्धांत हैं कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करना, तो इसी तरीके से डीपीएसपी में भी ये अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट है। In spite of above steps by the central and state government, the DPSP have not been implemented fully. लेकिन फिर भी जो है कई बार ये अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होता। ठीक है, डायरेक्टिव्स आउटसाइड पार्ट 4, और क्या क्या हैं डायरेक्टिव्स। क्लेम्स ऑफ एससीज एंड एसटीज टू सर्विसेज, द क्लेम्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्केड्यूल्ड क्लासेस कास्टेस एंड स्केड्यूल्ड ट्राइब्स शैल बी टेकन इंटू कंसिड्रेशन कंसिस्टेंटली विद द मेंटेनेंस ऑफ इफिशियंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन जो अच्छे से चल सके, एससी एसटी के साथ भी इक्वालिटी रहे, तो उन्हें सर्विसेज अच्छे से प्रोवाइड करने के लिए ये बनाए। इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग, कई बार ऐसे होता है कि कोई व्यक्ति जो है उन्हें बात समझ में नहीं आती जब तक मदर टंग में जो है नहीं बताई जाए, तो हर एक व्यक्ति को जो है मदर टंग में बताना चाहिए, इंस्ट्रक्शन जो है वो मदर टंग में मिलनी चाहिए, ताकि कोई भी है वो व्यक्ति वो चीज़ को समझ पाए, चाहे वो बच्चा हो, ठीक है, चाहे वो मिनोरिटी ग्रुप से हो, किसी भी व्यक्ति को जो है वो समझ में आना चाहिए, जो कि 350 आर्टिकल ए में है। ठीक है, डिवेलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज जो है मोस्टली सभी जगह स्प्रेड हुई पड़ी है। ठीक है, और द अबव डायरेक्टिव्स आर ऑल्सो नॉट जस्टिकेबल इन नेचर, हाउ एवर दे आर गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस। लेकिन वैसे मोस्टली सभी लैंग्वेजेस को इक्वल इम्पोर्टेंस है, लेकिन हिंदी लैंग्वेज जो है उसे मोस्टली स्प्रेड करना चाहिए इंडिया में, जैसे जो है हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, सो ये जो है उन्होंने डीपीएसपी के बारे में बताया कि कैसे जो डीपीएसपी है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन राइट्स तो उनमें कॉन्फ्लिक्ट रहता है फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में, अगर इनमें कॉन्फ्लिक्ट हो तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो आगे होते हैं, इन्फीरियर नहीं है, वो सुपीरियर होते हैं। ठीक है, डीपीएसपी इन्फीरियर है। सो होप यू लाइक दिस चैनल। जय हिंद, जय भारत।